दिल्ली के मथुरा रोड पर ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल की गुंडाई सामने आई है, जहां ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल ने महिला को ईंट से मारा है। बता दें आपको कि महिला रिश्वत नहीं दे रही थी, जिससे गुस्सा है ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल ने महिला को ईंट से मारा है। वहीं आरोपी ट्रैफिक पुलिस पर कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें आपको कि आरोपी का नाम सतीश चंद है, जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो बता दें आपको गुंडाई सामने आई है, ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल की खुलेआम गुंडाई सामने आई, जहां एक महिला को ईंट से मारा है। रिश्वत नहीं दे रही थी महिला, महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने रिश्वत महिला से मांगी थी और महिला ने रिश्वत देने के लिए मना कर दिया था, जिससे गुस्साए पुलिस हेड कांस्टेबल ने बता दें आपको महिला को ईंट से मारा है। तो मथुरा रोड पर ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल की गुंडाई देखने को मिली, जहां एक महिला को ईंट से मारते हुए नजर आया। हालांकि आरोपी पर तुरंत कार्रवाई की गई, उसे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन एक बर्बरतापूर्ण चेहरा सामने आया, जहां एक महिला को ईंट से मारते हुए नजर आया एक पुलिस हेड कांस्टेबल। बता दें आपको ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल की गुंडाई है, जहां पर एक महिला को ईंट से मारा गया। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि महिला ने रिश्वत देने से मना कर दिया था, रिश्वत मांग रहा था ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल, लेकिन रिश्वत महिला ने नहीं दी, जिससे गुस्साए कांस्टेबल ने महिला को ईंट से मारा, ईंट से महिला पर हमला कर दिया। तो चेहरा ये ट्रैफिक पुलिस का सामने आया, जहां पर एक महिला के साथ इस तरीके से सुलूक किया गया, महिला को ईंट से मारा गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल किस तरीके से ईंट से प्रहार कर रहा है महिला पर, महिला से उलझ रहा है, महिला को मारने की कोशिश की जा रही है। तो बर्बरतापूर्ण चेहरा इसे कहेंगे हम, एक बार फिर से सामने आया, एक बार फिर से उजागर हुआ है और गुंडाई खुले तौर पर देखने को मिली है। हालांकि आरोपी पर कार्रवाई की गई है, तुरंत निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन जो ये चेहरा है, इसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हुआ था आपके पत्थर की पहले किसने मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं तो अपने बच्चों के स्कूटी पे बैठी थी, उसी ने मुझे मारा। मेरे पहले मैं स्कूटी को तोड़ा, बोला तुम्हारा 200 रुपए चालान कटेगा, 200 रुपए देना पड़ेगा। तो लेडी बोले 200 रुपए दूंगा अगर चालान दे दो मेरे को। तो बोले चालान नहीं मिलेगा, लेकिन 200 रुपए देना पड़ेगा। लेडी बोले कि मैं नहीं दूंगा, मना करके वो चलने लगा स्कूटी स्टार्ट करके। जब चलने लगा, पुलिस वाले ने उनका पीछे से पकड़ के खींच लिया। खींचने के बाद वो बच्चे समेत गिर गए। गिरने के बाद वो स्कूटी का लाइट टूट गया। टूटने के बाद वो लेडी गुस्सा होकर एक पत्थर मार दिया, वो मोटरसाइकिल में जो पुलिस वाले का मोटरसाइकिल था, जो पुलिस वाले का मोटरसाइकिल में मार दिया लेडी पत्थर। तो पुलिस वाले ने एक 2-3 किलो का ईंट उठा के और लेडी के कमर पे मार दिया बहुत तेज। तो इस ये देख के पब्लिक वाले सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि पुलिस वाले क्यों मार रहा है लेडी को, इस वजह से पब्लिक सब पकड़ के पुलिस वाले को पिटाई कर दिया। तो महिला के साथ ये सुलूक किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो हेड कांस्टेबल है, वो एक महिला को ईंट से मार रहा है, ईंट से उस पर प्रहार किया गया है। महिला का कसूर सिर्फ ये था कि महिला ने रिश्वत देने से मना कर दिया था। चालान काटने की बात यहां पर हो रही थी, महिला का चालान काट रहा था ये हेड कांस्टेबल, और जब महिला ने कहा कि मेरा चालान काट दो, तो यहां पर जो कांस्टेबल है वो रिश्वत मांगने लगा, और रिश्वत ना देने पर, रिश्वत देने से मना करने पर महिला को ईंट से मारा गया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि महिला को ईंट से मारता हुआ ये नजर आ रहा है। हालांकि कार्रवाई की गई है और तुरंत निलंबित भी कर दिया गया है।